सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र संसद के मुख्य पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें विद्यालय के 450 छात्र छात्राओं ने मतदान में हिस्सा लिया। विद्यालय के इस चुनाव प्रणाली के दौरान स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक ने छात्र संसद चुनाव के महत्व को भी छात्र छात्राओं को समझाया। विद्यालय स्तर पर छात्र संसद चुनाव के लिए 2 बूथ बनाए गए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान के दौरान विद्यालय ने कुछ छात्र छात्राओं को मतदान से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई थी, जिन्हें उन्होंने बड़ी तत्परता से निभाया। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने छात्र छात्राओं को छात्र संसद चुनाव से संबंधित विषयों की जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही विधायक ने विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा व संस्कारों की बहुत सराहना की। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य महिताब सिंह गोसाई ने छात्र संसद चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छात्र संसद के माध्यम से छात्रों में कर्तव्य बोध, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास किया जाता है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे विद्यालय में आए। अपने विद्या भारती या भारतीय शिक्षा संस्थान भारतीय शिक्षा समिति से उत्तराखंड से संचालित होता है। वो एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना जिसके द्वारा एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और प्रारंभिक और बौद्धिक दृष्टि से विकसित हो सके। ताकि में हिंदुत्व नेष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भयावेन विद्यालयों से निकलते हैं जो ग्रामीण प्रवासी और गिर कंदराव में रहने वाले जो तमाम बंधु बांधव अपने हैं उनके भविष्य में हम उनके काम आ सके, उनकी सेवा दे सके। और अपना ये जो छात्र संसद की प्रक्रिया है, भयावेनों में एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन जो उनके लिए होती है उसका जो फील उन्हें हम कराते हैं ताकि वो देश का एक अच्छा राष्ट्र का एक उसमें नेशनल डिसिप्लिन डेवलप हो सके, राष्ट्रीय अनुशासन उसमें विकसित हो सके, उसमें जो है अच्छे मूल्य, हमारे जो राइट्स हैं, जो मूल्य हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसमें जो परंपराएँ हैं, ट्रेडिशन से, कस्टम से, उन मूल्यों का हमें जब विकास होगा तो हम एक सफल नागरिक देश के। पहले ऐसा वोट हुआ नहीं था जैसे मतदान देते हैं इस बार, पिछले साल भी ऐसा हुआ था पर इतने उत्साह से नहीं हुआ था। इस बार सारे के सारे जितने भी अध्यक्ष वगैरह हैं वो सब मौजूद थे यहाँ पे, तो बड़ी खुशी हो रही है कि चुनाव इतने धूमधाम से मनाया गया है। जैसे बच्चों ने ना बहुत ही ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया है एंड बच्चे बहुत टैलेंटेड है। जैसे मैं तो अभी नई स्टूडेंट हूँ, मैंने काफ़ी सारे स्कूल बदले हैं तो मैंने ना आज तक किसी स्कूल में नहीं देखा है कि ऐसा कुछ भी होता है। एंड मैं इधर आई तो यहाँ ना हमें संस्कार सिखाए जाते हैं एंड जो हमारी ना चीज़ें संस्कृत में पूजा कराई जाती है, बहुत ही कुछ कराया जाता है। तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।